नहीं, दुर्गा भाभी ने उन्हें पत्र लिखा, लेकिन वो पत्र भी, उन पत्रों का कोई जवाब नहीं उस व्यक्ति ने दिया। बाद में दुर्गा भाभी ने दूसरे लोगों को भी लिखा कि वो किसी तरह से वो दस्तावेज जो हैं, निबंध वगैरह, उन तक थोड़ा सा। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है, मैं सुधीर। साथियों, आज का ये वीडियो केंद्रित है क्रांतिकारी जीवन पर तो है ही, साथ ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी दस्तावेज पर, और साथ ही उस दस्तावेज के साथ किए गए अपराध पर। यह खबर थोड़ी खुशियां देती हैं और बहुत सारा दर्द भी देती है। खुशी इस बात की कि कुछ ऐसे दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए या ऐसे दस्तावेज होने की सूचना अब है, खबर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय में लिखा गया और बहुत अधिक जानकारी हमें मिल सकती है। और दर्द ये कि उन दस्तावेजों को एक तरह से कहिए कि छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, देश के लोगों से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत ही गलत तरीके से। दुर्गा भाभी के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, वही दुर्गा भाभी जो भगवती चरण बोरा, मशहूर क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा की पत्नी थी, वो दुर्गा भाभी जिन्होंने भगत सिंह को लाहौर में सैंडर्स का जब मर्डर किया गया था, तो सैंडर्स मर्डर के बाद भगत सिंह को लाहौर से कोलकाता निकाल करके ले गई थी, अपनी और अपने इकलौते बच्चे की जान पर खेल करके। बाद में उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम दिया, कई एक्शन में शामिल रही, उन्हें सजा भी हुई। आज़ादी के बाद लंबे समय तक वो जीवित रहीं और सक्रिय रहीं। लखनऊ में उन्होंने स्कूल खोला, जो अब लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगर आप लखनऊ जाएं या लखनऊ के रहने वाले हैं तो ज़रूर वहाँ जाइए। वहाँ पर फिर उसी में, अपनी संस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम शोध केंद्र भी खोला था, जो अब भी वहाँ काम करता है और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चीज़ों का वहाँ पर शोध किया जाता है। वही दुर्गा भाभी से जुड़ी हुई ये बात है। 1938 में ही, यानी भगत सिंह की फांसी के महज 7 साल बाद, 1938 में उन्होंने 7 निबंध लिखे थे, और वो 7 निबंध आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा कि उस समय लिखा जा रहा है जब लगभग सब कुछ अभी आंखों के सामने है, सब कुछ याददाश्त में बसा हुआ है। देखिए, क्रांतिकारी जीवन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके एक्शन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं, तो कुछ अलग अलग बयानों पर थोड़ा सा इधर उधर कुछ फर्क मिलता है, या कई तिथि एकदम सही सटीक नहीं मिल पाती। उसका कारण यह है कि उस समय कुछ लिखा नहीं जा सकता था। लिखने का मतलब होता, सार्वजनिक करने का मतलब होता, कई और दूसरे लोग फंसते जो जिनके बारे में भी पुलिस को, ब्रिटिश हुकूमत को पता नहीं, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, और फिर कई लोगों की सजाएं बढ़ सकती थी, कई लोग, कई संगठनों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता। तो उस समय लिखा नहीं गया, प्रायः बहुत कुछ लिखा गया है आज़ादी के बाद, लेकिन दुर्गा भाभी ने 7 निबंध लिखे थे 1938 में ही। और ये दुर्गा भाभी, ये भी आप सभी जान रहे होंगे, दुर्गा भाभी से वाकिफ हैं तो, कि वो सीधे कई मामलों में शामिल रही हैं। उन्होंने क्रांतिकारियों को नज़दीक से देखा था, विभिन्न एक्शन को नज़दीक से देखा था, भगत सिंह की फांसी की बात हो, सैंडर्स मर्डर की बात हो, असेंबली में बम फेंकने की बात हो, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की बात हो, या भगवती चरण बोरा की शहादत की बात हो, या ऐसी बहुत सारी घटनाओं की वो प्रत्यक्षदर्शी रही या बहुत नज़दीक से जानने वाली रही। तो वो उनका लिखा हुआ बहुत अधिक ये प्रमाणिक दस्तावेज माना जा सकता है, जो उन्होंने 7 निबंध लिखे थे। इसके अलावा और भी कुछ उन्होंने लिखा था, मशहूर स्वतंत्रता सेनानी रफ़ी अहमद की दोई पर उन्होंने लिखा था, अपनी संस्था पर लिखा था। और हुआ ये कि एक सज्जन अगस्त 1985 में उनसे ये दस्तावेज मांग करके ले गए, 7 निबंध जो 1938 में लिखे गए थे, और बाकी जो 2 अन्य रफ़ी अहमद की दवाई पर और फिर उनकी संस्था पर, और ये कह करके ले गए कि उन्हें वो टाइप करा करके और उसका नकल करके फिर बाकी लौटा देंगे मूल दस्तावेज। लेकिन उन्होंने कभी लौटाया ही नहीं। दुर्गा भाभी ने उन्हें पत्र लिखा, लेकिन वो पत्र भी, उन पत्रों का कोई जवाब नहीं उस व्यक्ति ने दिया। बाद में दुर्गा भाभी ने दूसरे लोगों को भी लिखा कि वो किसी तरह से वो दस्तावेज जो हैं, निबंध वगैरह, उन तक थोड़ा सा उनसे मिलिए और किसी भी तरह से कोशिश करके और हमको वो दिलवा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मृत्यु से पहले 14 साल तक लगातार दुर्गा भाभी प्रयास करती रही कि वो दस्तावेज उनके पास तक पहुँच जाए। दुर्गा भाभी जिन लोगों से कह सकती थी वहाँ कहती रही, और
टूटे हाथों से पत्र लिखती रही, बहुत परेशानी में रही, उनके हाथ कांपते थे, उस समय भी लोगों से गुहार लगाती रही और आखिर उनका 92 साल की उम्र में 15 अक्टूबर 1999 को निधन हो गया, लेकिन वो निबंध उन्हें वापस नहीं मिल सके। ये 1999 में उनकी मृत्यु के साथ ही बात खत्म हो जाती, लेकिन अब ये फिर से बात चर्चा में है और अब लोगों को जानकारी मिल रही है कि इस तरह का कोई कांड हुआ और दुर्गा भाभी ने वो 7 निबंध लिखे थे 1938 में ही, और अब उसे हासिल करने के उपाय शुरू हो गए। क्यों ऐसा हुआ? दरअसल जो अगस्त 1985 में जो सज्जन ले गए थे उन्होंने तो दिया नहीं, और फिर वो पत्र उधर उधर लिखती रही, लोगों से कहती रही कि वो दिलवाइए। उसी दौरान उन्होंने क्रांतिकारियों पर काम करने वाले मशहूर लेखक सुधीर विद्यार्थी को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सारी बात बताई थी और यह भी कहा था कि किसी भी तरह से जो वो हमारे निबंध और बाकी जो दूसरी सामग्रियां हैं उन्होंने सब कुछ उसका उसमें ब्यौरा दिया था और वो हमें वापस मंगवा दीजिए। सुधीर विद्यार्थी ने भी पत्र लिखे थे उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति का नाम रणजीत सिंह बताया जाता है, उस दौरान वो रणजीत सिंह के नाम से जाना जाता था, और सुधीर विद्यार्थी ने भी जो पत्र लिखे तो उसका भी कोई जवाब रणजीत की तरफ से नहीं आया। अब सुधीर विद्यार्थी की एक किताब आई है समय संवाद, और समय संवाद में 848 पत्र, महत्वपूर्ण पत्र उसमें संग्रहित किए गए हैं, डाले गए हैं, और इसमें एक पत्र वो भी है जो दुर्गा भाभी ने लिखा था सुधीर विद्यार्थी को कि इस तरह से हमारे साथ हुआ है, वो पत्र ले आइए। अब जब ये लोगों को पता चला कि अच्छा दुर्गा भाभी ने ऐसा कुछ निबंध लिखा था और 7 निबंध लिखे थे, तो अब उसकी खोज पड़ताल तेजी से शुरू हुई। अब इस पर आगे आने से पहले हम वो खत पढ़ लेते हैं, ओरिजिनल पत्र भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो अंतर्देशीय पत्र जो पहले आप लोग वाकिफ होंगे चिट्ठी वगैरह से, तो पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय लिफाफा वगैरह जो चलता था, अब भी चलता होगा, अब लंबे समय से मैंने भी चिट्ठियाँ नहीं लिखी हैं, तो वो अंतर्देशीय पत्र था जो दुर्गा भाभी ने लिखा था और खुद उनकी अपनी पूरी हैंड राइटिंग है, और उस हैंड राइटिंग दुर्गा भाभी की हैंड राइटिंग भी आप लोग देख लीजिए किस तरह से वो पत्र लिखा गया है। वो पत्र मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देखिए, ये मूल पत्र है जो सुधीर विद्या के पास दुर्गा भाभी ने लिखा था और समय संवाद में अब वो पत्र छपा है। R2/71 राजनगर गाजियाबाद 201001 30 अगस्त 85। प्रिय सुधीर जी, रंजीत सिंह बरेली से अगस्त में आए थे, वे कुछ लिखना चाहते थे, आपका नाम भी उन्होंने लिया था। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो टाइप करा या फोटो स्टेट कर मुझे लौटाने का उन्होंने वायदा किया था। मैंने सितंबर में उन्हें लखनऊ से पत्र लिखा, अक्टूबर के शुरू में यहाँ से लिखा, पर कोई उत्तर नहीं। मुझे आँखों से दिखता नहीं और हाथ की हड्डी टूटी थी, सो हाथ टेढ़ा हो गया है, लिखना पढ़ना कठिन हो गया है। आपसे इतनी सहायता चाहती हूँ कि वह सामग्री उनसे लेकर मुझे शीघ्र ही भेजने का कष्ट करें। एक मेरे लिखे 7 लेख 1938 दिल्ली के, दो बीते दिनों की मीठी याद रफ़ी साहब पर लेख, तीन संस्था के जीवन में आरंभिक उतार चढ़ाव। यदि आपको ये सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्वयं बरेली जाना पड़े तो भी मुझ पर इतनी कृपा करें। मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं, कभी कहीं और कभी कहीं चली जाती हूँ, किंतु पत्र व्यवहार यही के पते पर होता है। आप सब लेकर मुझे शीघ्र ही भेजने का कष्ट अवश्य ही करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, भरोसा है। सस्ने आपकी दुर्गा भाभी। ये वो पत्र है और ये दुर्गा भाभी के हाथों का लिखा पत्र, वो उनकी लिखावट है पत्र में जो आप देख रहे थे, और जाहिर सी बात है कि दुर्गा भाभी ने ये पत्र लिखा है तो उन्होंने दिया होगा, और किस तरह से वो कष्ट में थी और उस कितना परेशान थी उन सामग्रियों को लेकर के, यह भी आप इस पत्र से देख सकते हैं। उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, दिखना बहुत कम हो गया, धुंधला दिखता है, हाथ टूट गए, हाथ टूटने के कारण टेढ़ा हो गया, पत्र लिखना नहीं जा रहा, फिर भी उन्होंने पत्र लिखा और वो परेशान है कि वो चिट्ठियाँ, वो जो निबंध वगैरह थे, वो सामग्रियाँ थी, उन्हें वापस मिल जाएँ। और 14 साल तक, मृत्यु से पहले 14 साल तक वो परेशान रही। सुधीर विद्यार्थी जी ने भी चिट्ठियाँ लिखी रणजीत सिंह को, लेकिन वो चिट्ठियाँ उन्हें, उन चिट्ठियों का जवाब उन्हें भी नहीं मिला, और अब ये किताब में छप करके चिट्ठियाँ आई हैं।
सुधीर विद्यार्थी जी का कहना है कि उनसे भेंट भी हुई थी रणजीत सिंह की, लेकिन रणजीत सिंह ने कह दिया कि ऐसी कोई सामग्री, कोई भी चीज दुर्गा भाभी के पास से वो कभी लाए ही नहीं। पूरी बातचीत हमने की इस मसले पर सुधीर विद्यार्थी जी से और उनसे पूछा कि क्या है ये पूरा मामला। आप भी सुनिए सुधीर विद्यार्थी जी से इस सुधीर की बातचीत। ये सर दुर्गा भाभी वाला जो चिट्ठी का चल रहा है, क्या है सर पूरा मामला? मामला ये है कि हम इस समय तो बरेली में है, कई साल हो गए, 12-13-14 साल हो गए जी। हम शाहजहांपुर के रहने वाले, निकटवर्ती जिला है बिल्कुल लगा हुआ जी। तो यहाँ हम आ गए थे बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में, लेकिन बड़ी जगह है, यूनिवर्सिटी है, तो यही बना लिया मकान जी जी। तो ये बात है पुरानी, जब हम शाहजहांपुर रहते थे तो भाभी हमारी बहुत नजदीकी रही जी, बहुत ज्यादा ही था, क्योंकि यहाँ तक भाभी ये कहती थी कि तुम नौकरी छोड़ नहीं पाए, छोटी नौकरी भी थी और कुछ उलझनों में थे, बड़ा बेटा जो हमारा बाद में रहा नहीं, उसकी बीमारी लगातार, तो भाभी कहती है कि वहाँ इस स्कूल को संभालो आके, लखनऊ मॉन्टेसरी कॉलेज जी, और जो बड़े बड़े 5 कमरे जी, जो वो स्कूल चलाती थी। हाँ वो तो बहुत बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, लखनऊ मॉन्टेसरी कॉलेज जी जी। तो 5 बड़े बड़े कमरे उनके आवास थे उसी विद्यालय में किनारे पे जी। तो उनका विचार था कि यहाँ स्वाधीनता संग्राम शोध केंद्र संग्रहालय जैसा बना दें, वो बना भी दिया वर्मा ने, उसने बहुत लग के काम किया जी जी। तो उन दिनों जो है कि भाभी का जन्मदिन पे हमें शाहजहांपुर से जाना था, एक लड़का हमारे यहाँ संपर्क में आया जो हमारे एक ग्रुप का लगभग था, हो सकता है 1 साल छोटा हो 2 साल जी जी, जो रंजीत सिंह अब रंजीत पांचाले लिखते हैं। तो ये जब हमें मिले एक बार, इन्होंने यहाँ बुलाया, सुभाषवादी जनता से जुड़े लोग थे, कोई संगठन था, इसलिए ये लोग मानते थे, हम तो उस बात को बिल्कुल अवैज्ञानिक मानते हैं कि ये नेताजी सुभाष जीवित हैं। अच्छा जी। तो जब अब बुलाया गया यहाँ में, एक मुख्य वक्ता गया, मुख्य के रूप में ध्यान नहीं आ रहा, जबकि हम बिल्कुल नए थे उनमें तब भी, तो उस समय जो संपर्क खींचे हुआ, इसने उनसे कहा होगा कि आपका क्रांतिकारी संपर्क है, कभी हमें भी किसी से मिला दीजिए। तो हमने कहा कि दुर्गा भाभी के हम जन्मदिन पे उनके जाएंगे लखनऊ, तो आना, तो शाहजहांपुर आ जाना तुम। तो शाहजहांपुर पहुंचा, वहां गए तो इतना ही परिचय दिया हमने, भाभी के काम था जो हम करके ले गए थे, ये रणजीत सिंह है बरेली के रहने वाले, ये मिलना चाहते थे आपसे, हमारे साथ आए हैं बस, और इनकी कोई बात नहीं, भाभी भाभी के जो काम करके ले गए थे लिख के, वो हमें भाभी सुनाया, बड़ी खुश हुई, तो इतनी खुश हो गए उस दिन, वो सुधीर तुमने 3 पेपर वो तुम्हारे लिए 3 फोटो में पुराने बचा के रखे हैं, अब वो बूढ़ी हो गई थी, धीरे धीरे अंदर गई, खुट 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 लौट के काफी देर भाई 3 फोटो में दे दिए, वहां से चले आए। रास्ते में हमें शाहजहांपुर उतरना था, तो ठीक उससे पहले रोजा स्टेशन पड़ता है, बीच में केवल दरिया है जी, सुन रहे हैं आप जी? हाँ, तो ये रणजीत सिंह हमसे बोला कि भाई साहब ये फोटो हमें दे दीजिए, हम इसकी नकल बनवा लेंगे, आपको वापस कर देंगे, हमने दे दिए, फिर इसने वापस ही नहीं किया हमें, यहाँ तक कि फिर वो लंबा समय हो गया, हमारे इसके बीच संपर्क भी टूट गया जी। तो एक दिन यहाँ एक लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम दुर्गा भाभी काम करना चाहते हैं, वो प्रसंग आ गया, बताया हमने कैसी की बात, तो उन्होंने उनसे कहा कि मिले, वो महिला हैं ये दुर्गा भाभी ने, हम कुछ उन पर काम कर रहे हैं विद्यार्थी, दुर्गा भाभी ने 3 फोटो दिए थे, वो हमें उनकी नकल दे दीजिए। तो उनका नहीं, वो फोटो तो उन्होंने हमें दिए थे, उन्होंने कहा दिए, तो बड़ा दुख हुआ हमें, इतना भी कोई अच्छा उसका क्या कर लेंगे, मान ली मेरे पास कोई फोटो भी हो, नागार्जुन का है, दुर्गा भाभी का है, किसी का भी, हम तो सारे क्रांतिकारी मेरा संपर्क रहा, तो उसको लेके हम क्या कर लेंगे, आत्मुक्त भी तो हो लेंगे है ना जी, या हम उस सामग्री का कोई बेहतर उपयोग कर सकें जी। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई, देखिए झूठ बोलाते, एक बारात में मिल गया हमें नाश्ता करते हुए, हमने रणजीत सिंह ही कहते हैं वो, रणजीत पांचाले लिखने लगा, हमने रणजीत सिंह तुमने ऐसा ऐसा कहा उनसे, याद करो फोटो तुमने रास्ते में हमसे कहा था, हम भाभी से मिलाने ले गए थे तुम्हें, तो तुमने कहा नकल बनवा दे देंगे, तो उस देखिए जो लोग ऐसे होते हैं वो सीधे सीधे जवाब नहीं देते किसी भी जी, थोड़ी देर में जवाब क्या दिया, देखिए जो उससे कोई रिलेटेड नहीं, मैं इतने महान लोगों से मिला हूँ कि आपके जरिए मिला हूँ, अरे टू दी पॉइंट जो बात कही जा रही है उसका जवाब दो, चूंकि इस बात का जवाब नहीं है तो ये उसने कहा। तो तब हमने कहा कि मेरा हवाला देके, इसके बाद में भाभी गाजियाबाद में थी अपने बेटे के पास, तो वहां गए, मेरा हवाला देके मिले उनसे, और कुछ सामग्री उनसे ले आए इस शर्त के साथ कि हम वापस कर देंगे, तो दुर्गा भाभी की सामग्री वापस नहीं की, भाभी ने उन्हें 2 पत्र लिखे जी, नहीं जवाब दिया कोई, तब भाभी ने मजबूर होकर हमें लिखा है सब शाहजहांपुर के पते पे पत्र गाजियाबाद से, कि यहाँ तुम्हारा हवाला देके वो आए थे और ले गए, ये कहा उसकी नकल करा के, मैंने क्या फोटो करा के हम वापस कर देंगे, नहीं की
तुम्हें मैं कमजोर हूँ, मेरी बहुत मैं बेचैन हूँ और तुम्हें चाहे इसके लिए साझा बरेली जाना पड़े, वो सामग्री हमारे वापस कराओ, हमने इसे खत लिखा हो, इसने खत का उत्तर दिया, खैर वो बात आएगी, भाई आप नहीं दे रहे हैं ये तो नैतिकता की बात है, क्या किया जाए। तब इसने हमसे फिर कहा, वो भाभी, मैंने कहा कि भाभी के खत भी हमारे पास, तुम्हें सामग्री ले आया हमारा वाला देखे मिले थे, दिखा देना वो खत, मतलब खंडन नहीं किया जी, कहा दिखा देना वो खत। तो हमने फोटो उससे स्टेट करा के उस अंतर्देशीय पति भाभी के हस्तलिप में है, मोहन लगी हुई डाखाने की अंतर्देशीय है, वो हम जेब में डाले रहे, एक कार्यक्रम में मिला तो हमने कहा रणजीत सिंह ये भाभी का पत्र की कापी लो, इसने खोल के देखा है जेब में रख लिया, बोला कुछ नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं दिया। अब इधर ये हुआ कि मेरे पास 10,500 पत्र हैं क्रांतिकारियों और साहित्यकारों के जी, तो ये हुआ इन पत्रों का कुछ उपयोग किया, दो विश्वविद्यालय मांगते रहे उसे, एक संग्रहालय भोपाल का मांगता रहा, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया तो हम दिया नहीं किसी को, अभी भी हमारे पास ही है। फिर उसमें से महत्वपूर्ण 848 पत्रों का चयन करके दो खंडों में किताब आई है, समय संवाद एक, समय संवाद दो, अभी तो उसमें वो पत्र भाभी का संकलित है, उसकी किताब की इन दिनों समीक्षा खूब हो रही है, अभी आकार में बिल्कुल लेटेस्ट आई, 8-9 पेज की समीक्षा इंडिया टुडे में आ चुकी जी, वो पत्र भी संकलित है। मैंने उसमें फुटनोट में भी नहीं दिया कि ये रणजीत सिंह, ये रणजीत पांचाले हैं, लेकिन वो अब स्वाधीनता संग्राम शोध केंद्र या भाभी से जुड़े लोग जैसे उदय खत्री है, बाकी लोगों चिंता हुई जगमोहन सिंह भगत सिंह बांधे जी, भाई भाभी के लिखे हुए 7 लेख तो उनके 38 में लिखे हैं, यानी भगत सिंह की शहादत को सिर्फ 7 साल हुए जी, तो कितने महत्वपूर्ण हुए, क्या उस समय के लिखा हुआ उन्होंने, एक रफी अहमद किदवई पे, एक संस्था के उतार आरंभिक उतार चढ़ाव पे, यानी 7, 8, 9 अगर एक ही एक लेख बात करें, 7 की तो गिनती भाभी नंबर 1 ही करके लिखी जी, तो ये इतनी महत्वपूर्ण सामग्री मिले, तब हमसे पूछा गया, मेरे पास नंबर भी नहीं था, तो हमने लोगों से नंबर किसी से मांग के एक दो लोगों को भेज दिया, बात की तो ये मान ही नहीं रहा कि हमारे पास सामग्री है, मैं कोई लाया, भाई आपकी नैतिकता है उनकी, वो दें न दें, लेकिन मसला ये है कि वो फिर ये कहें कि भाभी का खत नहीं है, नकली खत है। ये आप सुन रहे थे क्रांतिकारियों पर काम करने वाले महत्वपूर्ण लेखक सुधीर विद्यार्थी जी की आवाज। अब जो वहाँ लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में जो स्वतंत्रता संग्राम शोध केंद्र बनाया गया है, उसके लोग भी अब इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रणजीत सिंह से वो दस्तावेज किसी तरह से वापस लिया जाए। जब बरेली में खोज खबर शुरू हुई तो पता चला कि अब वो रणजीत सिंह रणजीत पांचाले के नाम से रहते हैं, मतलब अब रणजीत सिंह के बजाय नाम हो गया है रणजीत पांचाले। उनके बारे में पूरी पहले की जानकारी यह है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक संस्था बनी थी जिससे वो जुड़े हुए थे और करीब 20 साल 22 साल पहले एक किताब उन्होंने लिखी है और अभी उनके बारे में जानकारी अधिक नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी पर्याप्त है और लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। अधिकतर जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, स्वतंत्रता संग्राम या क्रांतिकारियों में जो रुचि रखने वाले लोग हैं, जो इस इन विषयों पर काम कर रहे हैं, उन सभी ने भी ये कोशिश की है कि वो किसी तरह से दस्तावेज वापस मिलें और इस संबंध में रणजीत पांचाले से लगातार बातचीत जारी है। रणजीत पांचाले का क्या कहना है और बाकी जो इस मामले में जो लोग हैं संलग्न या क्रांतिकारियों के परिजन हैं उनका क्या कहना है, वो अभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ये पूरी जानकारी। लेकिन साथियों ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ना है, जरूरत पड़ी तो रणजीत पांचाले का मोबाइल नंबर भी चैनल पर सार्वजनिक किया जाएगा और आप सभी उनसे आग्रह कीजिएगा कि वो दस्तावेज लौटाएं, चूंकि वो दस्तावेज उनकी निजी संपत्ति नहीं है, अब तो वो दुर्गा भाभी की भी संपत्ति नहीं, वो देश की संपत्ति है, हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को जाना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को नहीं। आप जानते हैं कि भगत सिंह और उनका दल, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लोग मानते हैं कि ये साझी विरासत है। भगत सिंह को पाकिस्तान में भी उसी तरह से पूजा जाता है, उतना ही महत्व दिया जाता है, उनको लेकर के उतना ही जुनून है, प्रेम है जितना कि हिंदुस्तान में, और उनसे जुड़े हुए ये दस्तावेज गायब हो जाना बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्द वाली बात है, बहुत अधिक परेशान करने वाली बात है। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो दस्तावेज किसी तरह फिर से हमें वापस मिले।
अगले वीडियो में और इस पर चर्चा होगी और इस संबंध में और भी जो जानकारी अपडेट रहेगी वो हम आपको बताएंगे। साथियों हमारी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई बातें, खबर हो या फिर उनकी जिंदगी हो, महत्वपूर्ण एक्शन हो, आप तक पहुंचाएं, और इस संबंध में हम लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए ये काम जारी रखने के लिए हमें आपसे मदद भी मिल रही है। हम उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आर्थिक मदद करके हमारे इस अभियान को जारी रखने में मदद की है। साथ ही जो साथी आर्थिक रूप से सक्षम हैं उन सबसे आग्रह है कि आप के स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, उसके माध्यम से आप अपनी मदद की राशि हमारे पास तक भेज सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इस बैंक खाते का विवरण वहां जा करके भी देख सकते हैं। और साथ ही आप तमाम लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों तक क्रांतिकारियों से संबंधित ये वीडियो पहुंचाइए, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जितने भी वीडियो चैनल पर क्रांतिकारियों से संबंधित दिए गए हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक और आप काम कर सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए। अगर कुछ इसमें अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके भी लिख सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने कर लिया है तो और लोगों को प्रेरित कीजिए, लगे कि क्रांतिकारियों पर भी जानने की दिलचस्पी है लोगों में। और अब यहीं पर इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब।